वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, आज है संडे और आज आई है चिकन की कलेजी। तो चलिए आपको झटपट फटाफट बनाना बताते हैं, बहुत ही मजेदार सी चटपटी सी चिकन कलेजी। जल्दी से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो चलिए चलते हैं कलेजी की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है चिकन की कलेजी, एकदम फ्रेश है और आजकल यही सहूलत हो गई है कि ऑनलाइन चीजें जल्दी से मिल जाती हैं। तो बस ये जो कलेजी होती है इसके थोड़े से पीसेस ऐसे कर लेंगे कि बहुत अच्छे से आप एज ए स्टार्टर इसे खा सकें। तो इस तरीके से इसको कर लेते हैं, ज्यादा सफाई की जरूरत होती नहीं है इसमें। तो हमें यहाँ पे कर लेना है इनके छोटे छोटे से पीसेस। ये हार्ट है, मुन्ना सा छोटा सा हार्ट, इसको भी थोड़ा सा बीच में से इस तरीके से चीरा लगा देते हैं ताकि गलने में आसानी हो। तो ये लीजिए, हमने सारी कलेजी के छोटे छोटे से पीसेस कर लिया है। बस चलते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। पहले पर एक छन्नी ले लिया है हमने, इसमें सारी कलेजी डाल देंगे और इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने खूब अच्छे से इसे धो लिया है, ये अच्छे से साफ हो चुकी है। और यहाँ हमने बना लिया है ग्रीन पेस्ट, इसमें है हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा जीरा और दो जवे लहसुन के, इसे हमने पीस लिया है। तो हरा मसाला भी तैयार है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो लीजिए जनाब, हमने अपने गैस को ऑन कर दिया है और प्यारे से लोहे के तवे को रख दिया है। लोहे में खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। पहले ज़माने में तो हर कोई लोहे के तवे पे ही रोटियां डालता था या खाने बनाता था, लेकिन उसके बाद नॉनस्टिक आ गया। और जबकि नॉनस्टिक की सहूलत है, इसे हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन लोहे में आप बनाएं तो उसका जायक़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे हमने रख दिया है अपने लोहे का मोटा सा तवा, हैवी सा, जैसा कि स्ट्रीट फूड में इस्तेमाल होता है या ढाबों पे इस्तेमाल होता है। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा तेल, क्योंकि हमें करना है कलेजी को फ्राई। और जैसे ही हमारा तेल हो जाएगा गरम, हम इसमें डालेंगे जो आपको बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों तेल हमारा खूब अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हम डाल देंगे कलेजी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसमें हमने डाल दिया है कलेजी। आज संडे है, सब लोग छुट्टी के मूड में हैं, लेकिन हमें थोड़ा कुछ काम था तो बस वो काम करा के हम जल्दी जल्दी आए। तो वही सोचा कि क्या बनाए बच्चों के लिए, तो हमने जल्दी से पुलाव बघारा और पुलाव के बाद सोचा कि थोड़ा सा कलेजी फ्राई कर लें ताकि संडे में थोड़ा मज़ा आ जाए। तो बस बनाने लग गए, क्योंकि मेड के हाथ का खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमें बनाना पड़ता है। तो डाल दिया हमने इसमें कलेजी। अब जैसे ही कलेजी थोड़ा सा फ्राई हो जाएगी, डालते हैं दूसरे मसाले। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलेजी यूँ भी अगर गोट की कलेजी हो तो भी बस वो एक भाप में गल जाती है। अगर आप इसे ज़्यादा पकाएं तो वो हार्ड हो जाती है, और ये तो चिकन की है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट होती है ये। तो बस मकसद ये था कि थोड़ा सा फ्राई हो जाए। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो गई है, इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन, जिससे प्यारी सी खुशबू आ जाए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, नहीं तो ग्रेवी हो जाएगा। हमें ड्राई फ्राई ही रखना है, तो थोड़ा सा खुशबू के लिए इसमें डल गया अदरक लहसुन। और बड़ा मज़ा आता है जब इस तरीके की आवाज़ आती है ना, टन 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 टन। तो देखिए ये हो गया, अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी बराए नाम, थोड़ी सी बिल्कुल क्वार्टर टीस्पून के करीब हल्दी। लाल मिर्च हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हरी मिर्च डालने वाले हैं। इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून धनिया, साथ में इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, कुटा हुआ है, भुना हुआ है। और साथ में डाल देते हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए काली मिर्च। बड़ा चटपटा सा बनेगा ये, क्योंकि ड्राई फ्राई लीवर है ये। ये हो गया, अब इसमें डाल देते हैं हम हरी वाली चटनी जो आपको बताया हमने पीस के रखा है। तो थोड़ा एक दो हाथ पहले से चला लें ताकि अच्छे से सूख जाए। इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, इसमें आप अपने अंदाजे से डालिएगा जितनी आप कलेजी हो, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हस्ब जायका, आपके मुताबिक टेस्ट के मुताबिक नमक। हाई फ्लेम पे पका रहे हैं सारी चीज़ों को। वाह माशाल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। चलिए ये हो गया, अब इसमें डालते हैं हम खड़ा मसाला। अब यहाँ पे भी आपके टेस्ट के मुताबिक है आपको कितना डालना है। हम तो चटपटा सा बना रहे हैं क्योंकि हम इसे सर्व करने वाले हैं पुलाव के साथ एज ए साइड डिश, तो आज बच्चों को आ जाएगा मज़ा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और रंग भी चोखा। बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इस वक्त, इतनी जल्दी बनने वाली चीज़ है, बहुत मज़ेदार बनने वाली चीज़ है, तो झटपट बिना इंतज़ार किए जल्दी से फ़ोन उठाइए, फ़ोन घुमाइए और ऑर्डर करिए चिकन का लीवर और 2 मिनट में आपके घर पर हाजिर हो जाएगा। आप बना लीजिए। इसे अच्छे से थोड़ा सा सूखने देते हैं क्योंकि ये मसाला लोहे के तवे पे जब फ्राई होएगा और सूखेगा तो बहुत मज़ेदार बन जाएगा। तो ये लीजिए जनाब, ये हमारी कलेजी बिल्कुल बन गई है और आप देख सकते हैं जो मसाला डाला था बहुत सूख गया है, बस एज ए स्टार्टर बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई है। तो बस इस रेसिपी को जल्दी से यहीं पे ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा पुलाव भी बिल्कुल तैयार है, संडे है, बच्चों को लग गई है भूख, तो इसे हम थोड़ी से प्याज के साथ इसी तरीके से सर्व करने वाले हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पे रख देते हैं थोड़ी सी प्याज, वो भी थोड़ा गर्म हो जाएगी, थोड़ा सा फ्राई भी हो जाएगी और हमारी चिकन लीवर बिल्कुल भी बन के है तैयार। थोड़ा सा खुशबू के लिए डाल देते हैं इस पे हरा धनिया क्योंकि हरा धनिया से एक अच्छा सा जायका आ जाता है। ये लीजिए दोस्तों, हमारा चिकन लीवर हो गया है बिल्कुल भी तैयार। अब आपको हम थोड़ा सा टेस्ट करके बताते हैं। वैसे तो हमारे बेटे साहब ने हेलो टेस्टिंग हेलो कर लिया और कह रहे हैं बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा और एकदम सॉफ्ट। तो दोस्तों आप भी जाइए जल्दी से बनाइए, बहुत मज़ेदार बनता है, बच्चे बहुत पसंद करेंगे क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट होता है। आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक मज़ेदार सी झटपट बनने वाली इजी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।